हेलो गाइस, वेलकम माय बैक टू यूट्यूब चैनल। और मैं अभी गुड मॉर्निंग नहीं बोलूँगी, एक्चुअली अभी दोपहर का 2 बजे है। तो मैं आज का ब्लॉग यहाँ से शुरू कर रही हूँ। मैं जा रही थी मेरी कज़न सिस्टर के घर, तो सोचा चलो आज का ब्लॉग यहाँ से शुरू करते हैं। और ये मेरी कज़न सिस्टर है जमुना, तो उसको लेके उसके ससुराल जा रही हूँ। वो कल आई थी हमारे घर में, तो आज उसको जाना है कुछ कारण की वजह से। तो मैंने बोला, सबने बोला चलो आप दे के आओ, तो मैंने बोला ठीक है मैं दे के आती हूँ। और आने के टाइम में मेरा जो दूसरा कज़न एक सिस्टर है, मामा की बेटी, उसकी छोटी एक बच्ची है, पहले एक ब्लॉग में भी वो आप लोग उसको देखा है, तो उसको बहुत बच्ची को तो अभी घूमता भी नहीं, क्योंकि स्कूल का जो पढ़ाई है उसका बहुत प्रेशर है ऐसे। तो उसको लेके हम बस थोड़ा शॉपिंग करेंगे उसका, और उसको थोड़ा घुमाएंगे, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्ची अगर हम लोग घुमाएंगे तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। चलते हैं, देखते हैं आज का ब्लॉग। अभी हम लोगों का दूसरा गाड़ी छोड़ दिया जो उसके घर की तरफ जाना है, तो बहुत टाइम से बैठे थे, लगभग 30 मिनट्स वेट किया तब पैसेंजर फुल फील हुआ, तो अभी जा रहे हैं। हम लोग को बहुत लेट भी हो गया है। एक गाड़ी से उतर के अभी ऑटो में बैठ गए, तो ऑटो में हम दोनों ही पैसेंजर बाकी थे, तो किस्मत भी अच्छा है, जल्दी जल्दी हो गया। तो अभी जा रहे हैं उसके घर की तरफ। अभी पहुंच गए हम लोग, तो उसको देख के मुझे जल्दी जल्दी निकलना है, तो उसको मैं बहुत ऐसे बोल रही जल्दी निकल जल्दी निकल, तो निकलने से तो हम मैं जल्दी जल्दी भी जा सकती हूँ। सो मैं अभी चली आई हूँ मेरी सिस्टर के घर से, तो अभी मेन रोड पे आ चुकी हूँ, तो जल्दी जल्दी जाना है। एक्चुअली वहाँ पे वेट करेगी मेरी सिस्टर, और अभी बस भी मिल गया 5 मिनट के अंदर, तो बस में उठ गई, तो चल रही है अगरतला। अभी मुलाकात हो गया है मेरे बेबी से, छोटी सी बेबी अद्वितीया, और हम लोग जा रहे हैं अभी श्याम सुंदर ज्वेलरी, तो वहाँ पे जाके उसके लिए इयर रिंग लेना है। तो उसका इयर रिंग बहुत बड़ा था, दो दो इयर रिंग गिफ्ट में मिला था, तो वो एक्सचेंज करके छोटा वाला इयर रिंग लेना है, और वो तो बहुत खुश है आज इयर रिंग पहनेगी खुद से। তুমি নিজে নিজে পড়ো, করতে পারবে তো? তুমি নিজে নিজে পড়ো, দাও কানেকশন নিয়ে নাও, নিয়ে নাও, জায়গা খুলে নাও। Thank you.
দেখি না আগে একটু ঝামেলা হয়েছে তো ঝামেলা হয়েছে মানে ঝামেলা अभी उसका इयर रिंग खरीद के हम लोग सोचा चलो खरीद लिया तो पहना लेते, तो वो बोल रही है मानी आप पहना दो क्योंकि मम्मी पहनाएगी तो मुझे डर लगता है, तो एक तो अच्छे से पहना दिया तो दूसरा वाला पहनाने में थोड़ा तकलीफ हुआ, उसको दर्द मिल रहा है, तो लास्ट का जो हुक लगाना था उसका इयर रिंग का तो मुझे नहीं लगाने आ रहा था, तो मैम को बोला मैम आप लगा दीजिए, तो उसको भी दर्द मिल रहा था फिर भी मैम ने लगा दिया। क्या खरीदा आपने बोल दीजिए उन लोगों को। मैं आज मैंने अपने लिए झुमका खरीदा, दिखा दीजिए उन लोगों को। ये वाला अच्छा लगा। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केटिंग करने के लिए, तो बहुत जगह जाएंगे मार्केटिंग करने के, इसके लिए और इसके मम्मी के लिए। इसको तो बहुत कुछ पसंद आ रहा है, ये निकल रही है वो निकल रही है, तो ये वाला स्कर्ट उसको बहुत पसंद आया, तो मैंने बोला ठीक है ये नहीं लेंगे तो दूसरा कलर लेते हैं, तो उसने बोला ठीक है ले लो। अभी ये सब ड्रेस हम लोग ट्राई करेंगे उसके ऊपर, वो ट्राई करके देखेंगे कौन सा ड्रेस उसको अच्छा लगता है, ठीक है ना। टॉप उसको पहना है तो अच्छा नहीं लग रहा, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला थोड़ा अच्छा नहीं है वैसा, मुझे और ज़्यादा ब्यूटीफुल चाहिए, मेरा कोई भी ड्रेस नहीं है। ये क्या हो, इसका प्रॉब्लम क्या है? 5 से 100 तक और मेरा है 7, उसका ये 7 है और एक टाइट हो गया, अभी फिटिंग से लेकिन टाइट है, फिर से जब 8 हो जाएगा टाइट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, तो ये भी कैसे फिर से खरीदा कि ये डॉक्टर बोल रही तो अपना देखिए सब ड्रेस उसकी मम्मी को दिखा रही है एक एक पहन के, फिर भी ठीक है ना, वो राफी उसके लिए घर पे पहन सकते हैं। ये वाला भी नहीं, ये छोटा हो गया, टाइट हो गया ऊपर ना, ये ऐसे देखना मुसा में मारेगा मारेगा। ये वाला कैसा लग रहा है आप बताओ, लेकिन ये वाला तो ऐसे करो ना, क्या दिखते हैं लेकिन ये टॉप अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं लेंगे हम लोग, वाला टॉप लेंगे बड़े के लिए, हां स्कर्ट लेंगे इसका अच्छा ले बन, रुको रुको अरे अच्छा नहीं लग रहा है अभी, रुको ना पहले, नहीं अच्छा लग रहा है मैं नहीं लूंगी, नहीं लूंगी मैं। ये कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताओ, अच्छा नहीं लग रहा, और मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मौसी को भी नहीं अच्छा लग रहा, मुझे कैसा लग रहा है, और मेरी तरफ से तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, अगर ऐसे करूँ तो देखो ना अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। इतना क्या पसंद करे चाहे, ये आपने पसंद किया ना, ये मैंने भी किया और तुमने भी किया, अच्छा है ना, हाँ बहुत ही अच्छा है, आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोग कमेंट में प्लीज बताइए, दिखाओ। चलो हो गया, हम लोग घर जा रहे हैं, इसे हमने लिया और सुनो तो चलो।
अभी चलो। नहीं खरीदा? नहीं, आपको पता नहीं है? नहीं, पसंद नहीं आया। पेंटालोन से हम लोग डायरेक्ट आ गए बैग बाज़ार में। यहाँ पे टिफ़िन बॉक्स और जो बच्चे का पानी का बोतल है वो लेना था, लेकिन हम लोग को अच्छा वाला नहीं मिला इसलिए नहीं लिया। एक बच्चे का बर्थडे था तो वो नहीं मिला, तो वो देखिए ऐसे ऐसे कैसे खेल रही है, बहुत मज़ा कर रही है, तो उसको मैं छुप छुप के वीडियो कर रही हूँ। तो अभी बाहर का जो दुकान है वहाँ से मैंने टिफ़िन बॉक्स और प्लग्स ले लिया, समझ में नहीं आ रहा था कौन सा अच्छा है, तो मैंने सोचा चलो बाहर से ले लेते, बहुत लेट हो गए हम लोगों को इसलिए। और कल मुझे स्कूल का प्रोजेक्ट जमा करना है और भूल ही गया। आज बहुत ही देर हो गया, लेकिन स्कूल के लिए तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो अभी इसमें आया, हमें लेगिंग्स नहीं खरीदा, अभी खरीदेगा, उसके बाद हम मेडिसिन के पार्लर में जाएंगे, फिर खरीदेंगे ना। इसने कुछ नहीं खाया और आप लोग ने थोड़ा बहुत खाया था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसने बोला सिर्फ आइसक्रीम खाएगी, उसने सिर्फ आइसक्रीम ली है ना। अभी हम लोग आ चुके हैं मेडिकल शॉप में और यहाँ से हम लोग ने जो इसका प्रोजेक्ट है फर्स्ट एड बॉक्स बनाना उसका सामान ले लिया। इसके बाद हम लोग दूसरे दुकान में जाएंगे, वहाँ से भी इसका सब सामान जितना भी चाहिए सब लोग कुछ ले लेंगे, क्योंकि घर में जाके देर भी हो गया, जाके बनाना भी है, तो ऐसा कुछ नहीं। अभी सब कुछ ले लिया। अभी मैं और औद्रितिया, उसको हम लोग प्यार से गोगो बुलाते हैं, तो हम दोनों बाजार इंडिया में आए हैं, वो राधानगर स्टैंड में है। तो यहाँ पे वो छोटे बच्चे का बर्थडे है ना, उसके लिए एक टी शर्ट भी लेना है मुझे, तो यहाँ पे आ गया तो उसके लिए एक टी शर्ट भी ले लिया। सो, अभी हम लोग चल रहे हैं घर के लिए और गाड़ी को बोल के रखे हम लोग के लिए सीट रखने के लिए, क्योंकि रात को सीट नहीं मिलता है, और तो चल रहे हम लोग घर में। और मेरे जो बेबी आया है मेरे साथ गोगो, वो मेरे घर नहीं जाएगी, घर में चली जाएगी। और देखिए वो ट्रैफिक पुलिस हमेशा उनके वीडियो निकालती है, वो मेरा अंकल है।